हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस गौशिया आफरीन, टीचर ऑफ फ्रेश वर्ड स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स। तो ये क्लास 3 का टॉपिक है आवर बॉडी पार्ट्स, जो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो वी हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स विच परफॉर्म वेरियस टास्क। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर शरीर है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है और इन सब का एक अपना अलग अलग जॉब है, टास्क है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन से बने हैं। आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आर सेंस ऑर्गन्स। हमारे आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। ये हमें हेल्प करते हैं पिक्चर्स देखने में, साउंड हियर करने में, थिंग स्मेल करने में, फूड टेस्ट करने में और चीज़ों को फील करने में। सो सबसे पहले हम लोग आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइज़ मतलब हमारे आँख। आप सबको पता है कि हमारे पास दो आँख है। आइज़ हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। आइज़ हमारे लिए एक विंडो का काम करते हैं जिससे हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। दे हेल्प अस सी थिंग्स। इससे हम ये हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने में, उनके साइज़ कैसे, उनके कलर्स कैसे हैं। हमारे आइज़ में एक आईलेट्स होते हैं, आईलैशेस होते हैं जो हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। देर आर सम पीपल हु कैनॉट सी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख सकते, ऐसे लोगों को हम ब्लाइंड कहते हैं। ऐसे लोग जो है ना ही कुछ देख पाते हैं, ना ही कुछ लिख सकते हैं, ना ही कुछ पढ़ सकते हैं। ये एक स्पेशल लैंग्वेज पहचानते हैं जिसे ब्रेली कहते हैं। नेक्स्ट इज नोज। सो नोज़ का मतलब नाक होता है, वो आप सब लोगों को पता है। तो हमारे पास एक नोज़ है। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स एंड टू ब्रीथ। नोज़ के हेल्प से हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं और हम ब्रीथ भी करते हैं। हम लोग अपने टू नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं। ये जो दो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे टू नॉस्ट्रल्स हैं। इनमें छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं जो हमारे नॉस्ट्रल्स के ओपनिंग में होते हैं, जिसके वजह से हमारे नोज़ के अंदर डस्ट एंटर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईयर्स। तो आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास दो कान हैं। कान से हम लोग साउंड्स को हियर कर सकते हैं। जितने भी साउंड वेव्स होते हैं वो हमारे कानों में एंटर करते हैं और ये हमारे कानों में एक सिग्नल देते हैं ब्रेन के हेल्प से, जिससे हम साउंड को हेल्प कर सकते हैं। हमें अपने कानों को हमेशा साफ करनी चाहिए और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ टंग। टंग का मतलब ज़बान होता है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक। हम अपने टंग से कोई भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। डर्टी टंग से हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं हमारे स्टमक में। हम लोगों को हमेशा अपने टंग को साफ रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ। हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए कुछ भी ज़्यादा हॉट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाने से जिससे हमारे टंग को इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन मतलब पता है, हमारे शरीर का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम स्किन कहते हैं। स्किन हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों को फील करने में। ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं और ये बैक्टीरिया से भी हेल्प बचाते हैं हम लोगों को। हमारा स्किन हीट, कोल्ड और पेन से बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हम लोगों को डेली बात लेना चाहिए जिससे हमारा स्किन साफ रहे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।